देश के और दुनिया के इन्वेस्टर यहाँ आए और निश्चिंत लगानी करें, मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ। स्टार्टअप के लिए सर युवाओं को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं आप सिक्किम में सर? ना सिक्किम युवाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग परंपरागत पेशा से बाहर आएं और सर्विस सेक्टर में आएं, और पहले जिस तरह से अभी विकसित दुनिया है उसी तरह हमारे युवाओं भी काम करें, यही मैं चाहता हूँ। सर जीएसटी पर सर आपको कुछ कहना है सर? जीएसटी जो लागू हुआ उसमें राज्य सरकार को अपनी कोई आपकी बात रखनी है? ना जीएसटी में हम सिक्किम से कुछ भी बात नहीं रखनी है, जो भी केंद्र सरकार करेगी ठीक ही करेगी, मैं केंद्र सरकार को समर्थन करता हूँ, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, केंद्र सरकार को मैं समर्थन करता हूँ। हम बात कर रहे थे सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो कि पिछले 24 वर्षों से भारत में रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा है, दुनिया के मानचित्र पर सिक्किम को बैठाया है और यहाँ लोग इनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ की गरीबी आज से 25 साल पहले को देखने को मिलती थी, विकास बिल्कुल नहीं था। आज पूरे देश पूरे स्टेट में आप दौरा जब करेंगे, यहाँ की सड़कें, यहाँ की आम जनता और शांति जो चैन है वो पूरे देश में देखने को नहीं मिलता। मैं वी राज बाबुल, कैमरामैन परविंदर सिंह और जेपी के साथ सिक्किम गैंगटोक।